गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग। असाइनमेंट दिया था मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का, वो आप लोगों ने कर लिया होगा। दो आंसर्स मेरे पास आए हैं, बाकी के ना नहीं। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज, एंड देन फिर इसके हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। सो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो इनिशियल इंट्रोडक्शन है वो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट इज एक्चुअली, वेयर इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड और कैलकुलेटेड ऑन वेयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एवरी ईयर स्टार्ट, एवरी पीरियड लिख लीजिए इसको, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पीरियड प्लस इंटरेस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन इंटरेस्ट ऑल्सो, टोटल रिटर्न will be higher than simple interest। ये points के बारे में हम already discuss कर चुके थे, जिसको हम इस तरह से एक बार फिर समझ लेते हैं। Simple interest, compound interest। Suppose our principal that we are depositing at the start of the period, say 10,000 rupees in both the cases, and rate of interest is same. Rate of interest, say it is 10% per annum in both the cases. यहां पे ये सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में हमारे पास है कंपाउंड एनुअली। तो यहां पे फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट की जब हम बात करेंगे, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 10,000 पे 10%, वी विल गेट 1,000 रुपी। एंड हियर ऑल्सो 10% ऑन 10,000, टोटल अमाउंट दोनों केसेस में आफ्टर वन ईयर विल बी 11,000, बट इन सेकेंड ईयर इन सिंपल इंटरेस्ट केस योर इंटरेस्ट विल बी अगेन सेम 10% ऑन 10,000, दैट इज योर ओरिजिनल प्रिंसिपल। बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट केस योर इंटरेस्ट विल बी ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, दैट इज फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपका यहां पे इंटरेस्ट 1100 रुपीज होगा। तो यहां से हम देखते हैं कि आफ्टर टू ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, हमने बोला इंटरेस्ट इज पेबल ऑन इंटरेस्ट ऑल्सो। यस, यहां पे ये सेकेंड ईयर में आप देखेंगे तो 11,000 पे इंटरेस्ट मिलने का मतलब क्या हुआ, 10,000 पे तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है हमें इस 1,000 के फर्स्ट ईयर के
इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आर टोटल इंटरेस्ट विल बिकम 1100 इन सेकेंड ईयर, और ऐसा ही ईयर बाय ईयर आगे कंटिन्यू रहने वाला है। तो इस सिचुएशन में हम देखें तो इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन सेम, फिर भी आपका टोटल इंटरेस्ट इनकम सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा आएगा। तो ये मेन तीन पॉइंट जो हमने यहाँ डिस्कस किया, आई थिंक ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है आपको। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे? इधर एक ये तरीका है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन हम फॉर्मूले लिख लेते हैं कि हम फॉर्मूले के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे कैसे। ए यानी एक्यूमुलेटेड अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आफ्टर द टेन्योर, उसका फॉर्मूला क्या होगा? पी 1 प्लस आई की पावर एन। पी इज इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर एन। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? यार हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए रिवर्स कैलकुलेशन से चलते हैं। ए माइनस पी, ए स्टैंड फॉर पी 1 प्लस आई की पावर एन माइनस पी, पी को हमने लिया कॉमन, तो ये बन गया 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। ये हो गया आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हमारा सारा काम हो जाएगा। और प्लस कुछ शॉर्टकट यदि आपको चाहिए वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी यहां पे इंटरेस्टिंग फैक्ट, आय का मतलब क्या है यहां पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, नो पर पीरियड, इट इज रेट पर एनम डिवाइडेड बाय एम, वेयर एम इज कंपाउंडिंग पीरियड इन वन ईयर। एम इज कंपाउंडिंग पीरियड इन वन ईयर। एंड सिमिलरली यहां एन का मतलब क्या है? टेन्योर किसमें? यहां हम बात कर रहे हैं एन का मतलब टेन्योर किसमें, यहां एन का मतलब है पीरियड से, नंबर ऑफ पीरियड्स, नॉट नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ पीरियड्स, दैट इज टी मल्टीप्लाई बाय एम। यहां भी मैं लिख दूं, यहां पे आई का मतलब है रेट पर पीरियड, दैट इज आर मल्टी डिवाइडेड बाय 100 इंटू एम। अब ये दो फैक्ट कैसे समझना है इसको मैं आपको एग्जांपल से लूंगा। हमने अभी क्या बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपको एनुअल कंपाउंडिंग मिलता है, सिर्फ एनुअल कंपाउंडिंग नहीं मिलता, हमें डिफरेंट पीरियोडिकल कंपाउंडिंग मिल सकता है। डिफरेंट पीरियोडिकल कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? मतलब है कि हमें सेमी एनुअली कंपाउंड मिल सकता है, क्वार्टरली कंपाउंड मिल सकता है, मंथली कंपाउंड मिल सकता है।
अब इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000, टाइम इज 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, सेमी एनुअली कंपाउंड. अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपको जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट क्रेडिट दी जाएगी, आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट डिपॉजिट किया जाएगा, आपकी प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा, वो एनुअली नहीं, वो हाफ ईयरली ऐड किया जाएगा, वो सेमी एनुअली ऐड किया जाएगा. मतलब ये जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 10% पर एनम, 1 ईयर का 10% का रेट है, बट बैंक विल पे हाफ ईयरली. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10,000 रुपीज रहेगा, पहले आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा. इंटरेस्ट मिलेगा आपको 6 मंथ का. 6 मंथ का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? तो बेटर चॉइस क्या है, इस एनुअल रेट को आप हाफ ईयरली रेट में डिवाइड कर दो. इस एनुअल रेट को हाफ ईयरली रेट में डिवाइड कर दो. मतलब बैंक सेज, बेटा हम आपको पूरे साल का 10% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन देंगे 6-6 महीने में. तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना परसेंट हुआ? 5%. हम आपको एवरी 6 मंथ 5.55% से इंटरेस्ट पे करेंगे. पूरे 1 ईयर का 10% पे करना है, लेकिन वो हम 2 पार्ट में पे करेंगे. फर्स्ट 6 मंथ में 5% एंड देन नेक्स्ट 6 मंथ में 5%. सर इससे क्या होगा? देखिए इंटरेस्टिंगली क्या होगा. फर्स्ट 6 मंथ में आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा ऑन योर प्रिंसिपल, 500 रुपीज, और इस 500 को आपके प्रिंसिपल में एड कर दिया जाएगा. योर प्रिंसिपल विल बिकम 10,500, एंड देन नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको इस 10,500 पे दिया जाएगा. इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ एट द रेट ऑफ 5% बट ऑन 10,500. योर टोटल अमाउंट विल बी 11,025. और यदि पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट 10% से एक ही बार मिलता तो 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता, लेकिन 6 मंथ में 2 बार मिलने से आपका टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया. यह है कंपाउंडिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट. क्या आपको जो एनुअल रेट रेट देखो, हमेशा ये याद रखना, नॉट फॉर नाउ ओनली, एंड तक कॉमर्स में जहां तक हम जा रहे हैं, इवन सीए फाइनल तक, ये याद रखना, रेट जब भी गिवन होता है उसके आगे पर अनम लिखे या ना लिखे, हम उसे एनुअल रेट मान के चलते हैं. रेट हमेशा हम एनुअल मान के चलते हैं, लेकिन पेमेंट मोड क्या है? वो कहलाता है आपका कंपाउंडिंग फैक्टर. पेमेंट मोड क्या है? यहां हमें पेमेंट मोड क्या बोला है? सेमी एनुअली. यानी आपका जो एनुअल रेट है, उस रेट का पेमेंट 1 ईयर का होता है, आपको 2 पार्ट में मिलेगा. तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम 10,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे. नो, हम इस रेट को 6 मंथ के 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और फिर 6 मंथली हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर. एक और एग्जांपल लेता हूं. अभी मैं फॉर्मूले कैलकुलेशन पे नहीं आया हूं, मैं सिर्फ लॉजिक की बात कर रहा हूं. प्रिंसिपल सेम 10,000, टाइम 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, और ये बोल रहा है क्वार्टरली कंपाउंडेड. अब क्वार्टरली कंपाउंडेड का मतलब क्या हुआ? 1/4. यू विल गेट 12% फॉर 1 ईयर, बट क्वार्टरली रेस्ट का मतलब हर 3 मंथ में
आपको इंटरेस्ट क्रेडिट कर दी जाएगी। आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो एवरी 3 मंथ के बेसिस पे करना है, आपको हर 3 मंथ का इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा। वो कैसे? पूरे 10,000 पे 12% कैलकुलेट कर लूं और फिर उसको 1/4 कर दूं? नहीं, आप रेट को 1/4 कर दीजिए। एवरी 3 मंथ आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 3%, पूरे 1 ईयर का 12%, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट कितना हुआ? सॉरी, 3 मंथ का इंटरेस्ट कितना हुआ? 3%। देर आर 4 क्वार्टर इन अ ईयर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से हमने डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो हमारा क्वार्टरली रेट बनता है 3%। अब कैलकुलेशन कैसे होगा? 10,000 प्रिंसिपल, आपको फर्स्ट 3 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, पहले फर्स्ट 3 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, पहले फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट मिलेगा, Q1 का इंटरेस्ट मिलेगा, 3% ऑन 10,000, 300 रुपीज, और उसे आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा। देन अगेन इन नेक्स्ट 3 मंथ, सेकेंड क्वार्टर और क्वार्टर टू जिसे हम बोलते हैं, उसमें 3% मिलेगा 10,300 रुपीज पे, 309 रुपीज, तो आपका प्रिंसिपल विल बिकम 10,609। देन आता है आपका क्यू थ्री, क्यू थ्री अगेन यू विल गेट 3%, बट दैट विल बी ऑन 10,609। तो ये हो गया आपका 318 प्लस 30 पैसा, 318, मैं राउंडेड ऑफ ले लेता हूं, या प्लस 27 भी ले लो, ये आपका इंटरेस्ट बनेगा। टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड 27.27 ये आपका प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वार्टर विल कम और इसमें फिर 3% मिलेगा, लेकिन अगेन इस एलिवेटेड प्रिंसिपल पे 327.82, एंड योर मेच्योरिटी वैल्यू विल बी 11,255.09। ये बात समझ में आया? तो दो मेन चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको चेक करना रहेगा, व्हाट इज योर टोटल टेन्योर एंड व्हाट इज द कंपाउंडिंग पीरियड। कंपाउंडिंग पीरियड का मतलब एक साल में कितने बार आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होगा, कैलकुलेट होगा। एनुअल कंपाउंडिंग मतलब 1 ईयर में 1 टाइम, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग 1 ईयर में 2 टाइम, क्वार्टरली कंपाउंडिंग 1 ईयर में 4 टाइम्स, एंड मंथली कंपाउंडिंग 1 ईयर में 12 टाइम्स, और डेली कंपाउंडिंग तो 1 ईयर में 365 टाइम्स। इस तरह से ये कंपाउंडिंग फैक्टर आपको निकालना है एंड अकॉर्डिंगली आपका कैलकुलेशन होगा। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे फॉर्मूले बेस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स डिपॉजिटेड 10,000 रुपीज फॉर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एनुअल कंपाउंडिंग व्हाट विल बी मेच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स।
अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, थोड़ा सा केयरफुली समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये मेनली टर्म पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास गिवन क्या क्या है। प्रिंसिपल इज अवेलेबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज अवेलेबल, टी टाइम इज अवेलेबल। लेकिन यहां हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एम। एम क्या है आपका, कंपाउंडिंग फैक्टर क्या है, वन। एनुअल कंपाउंडिंग, तो एम इज वन। एंड इफ एम इज वन तो आई में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 10/100 या 10%। टी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी एन, एन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 ही आएगा, टी इंटू एम। तो ए विल बी पी 1 + i की पावर n, और i में 100 डिवाइड तो करना ही है, ये इंप्लाइड है। 10,000 1 + 10/100 power 4, अब यहां पे ये जो पावर वाला पार्ट है 1.10 raised to the power 4, इसका आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा। यू आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट दिस बिकॉज यहाँ पे पावर 4 है, ये पावर 10, 20, 30 तक जा सकता है, तो वो फिजिबल नहीं है बिना कैलकुलेटर के हम उसे कैलकुलेट करें, तो ये आपको गिवन आएगा। तो से 1.10 raised to the power 4 इज इक्वल टू 1.4641, ये गिवन है हमें। सो मैच्योरिटी अमाउंट विल बी 14,641। एंड इफ आस्क्ड इंटरेस्ट, तो मैच्योरिटी अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, योर इंटरेस्ट इज 4641। यस बताइए, क्या ख्याल है, क्लियर है? यार अपनी क्लास अपन मॉर्निंग में शिफ्ट करें क्या? नहीं, आपको इवनिंग में आते आते एनर्जी लेवल आप लोगों का थोड़ा सा डल हो जाता है। एक साथ बोलेंगे, क्या ख्याल है, समझ में आ रहा है ना सभी को? यार नींद रेस्ट कर लिया है, नींद निकाल लिया सबने, अभी भी प्रॉब्लम है क्या? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर ए डिपॉजिटेड ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर अनम क्वार्टरली कंपाउंडिंग व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही विल गेट इन 3 years।
वेयर 1.025 raised to the power 12 इज इक्वल टू 1.3449, ये गिवन है। सबसे पहले पी 10,000, आर 10% पर एनम, टाइम 3 इयर्स, कंपाउंडिंग पीरियड नॉट 1/4, 4 कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो देयर विल बी 4 कंपाउंडिंग पीरियड इन अ ईयर, तो हमें पीरियड बताना है, ठीक है, कंपाउंडिंग पीरियड विल बी 4। कंपाउंडिंग पीरियड या एम का मतलब है कितनी बार कंपाउंड होगा, तो एक साल में 4 बार कंपाउंड होगा। आई विल बी 10 divided by 4, 2.5%, एन विल बी 3 multiply by 4, 12 टाइम्स या 12 पीरियड्स हो गए। पहले हम ए कैलकुलेट कर लेते हैं, या डायरेक्टली इफ इट इज आस्किंग फॉर आई, हम आई पे चलते हैं। आई इज 10,000, 1 plus 2.5 divided by 100 power 12 -1, क्या ख्याल है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करें तो आई थिंक कॉन्सेप्ट में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम बची आप लोगों के पास। चलिए एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे सब। हार्दिक ने तो आंसर भी दिया था। ओके तो यहां पे क्या याद रखने का है मेनली आपको? मेन इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक होने का चांसेस रहता है वो कंपाउंडिंग पीरियड में रहता है, तो कंपाउंडिंग पीरियड और रेट को चेंज करना ना भूलें, एंड देन अकॉर्डिंगली फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है।
एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिएगा और फिर हम कल स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए फिर। और कुछ पूछना है, प्रीवियस पार्ट से कुछ पूछना है तो बताइए। थर्टीन एंड ट्वेंटी, एक सेकेंड, आप मुझे क्वेश्चन बताइएगा बेटा। क्वेश्चन बोलिए। अ सम ऑफ मनी लैंड आउट एंड इट बिकम, ऐसा ही कुछ, इन टू इयर्स कितना एंड इन थ्री इयर्स, कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप इसको दो क्वेश्चन में ब्रेक कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट है ना, और वैसे तो बहुत चलो आप तो दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ये टू ईयर का मेच्योरिटी है और ये थ्री ईयर का मेच्योरिटी है ऑफ द सेम प्रिंसिपल। सेम प्रिंसिपल टू ईयर मेच्योरिटी, सेम प्रिंसिपल थ्री ईयर मेच्योरिटी, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो वन ईयर का इंटरेस्ट है ऑन दैट सेम प्रिंसिपल। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ऑलवेज जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पे मिलता है। ठीक है, अभी मैं प्रिंसिपल कैलकुलेट करता हूं। प्रिंसिपल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस आई, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है आपका? पी इंटू आई इंटू टी और टाइम। व्हाट अबाउट प्रिंसिपल? प्रिंसिपल विल बी, या फिर मैच्योरिटी की बात करें, ए विल बी पी प्लस आई, या फिर क्या लिख सकते हैं, सॉरी करेक्ट, वन प्लस आई टी बाय हंड्रेड। ये आपको मेच्योरिटी गिवेन है, ये आपको मेच्योरिटी गिवेन है, बोथ आर ए। टू एट एट जीरो इज इक्वल टू एंड 3660 इज इक्वल टू 9। आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पी और आई की वैल्यू आ जाएगी।
यदि आपको इस पूरे प्रोसीजर से नहीं जाना है तो शॉर्टकट समझिए। टू ईयर पी प्लस आई इज 2660, थ्री ईयर पी प्लस आई इज इक्वल टू 3600। तो वन ईयर आई इज इक्वल टू 720। ये क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट है। देखो हर साल इंटरेस्ट सेम रहने वाला है, दो साल के बाद मैच्योरिटी ये हुआ, तीन साल के बाद मैच्योरिटी ये हुआ, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो P प्लस टू ईयर इंटरेस्ट इज 2880, P प्लस थ्री ईयर इंटरेस्ट इज 3660, 3600, सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 720। वन ईयर का इंटरेस्ट 720, टू ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 1440। इसको मैं इसमें से माइनस कर दूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1440। प्रिंसिपल अमाउंट इज 1440 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 50%। कैसे हो सकता है 2400 इंटू 10%, 240 पर ईयर इंटरेस्ट आया? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद चेक कर लो बेटा, इफ प्रिंसिपल 2400 है, ठीक है, और 10, ये 3 नहीं है 5 है बेटा, आपने 3 बताया था ना मुझे, अच्छा आपने 5 बोला था, तो यार आप क्यों बोल रहे हो यार सारा 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 खेल कर दिया हमने और आप बोल रहे हो कि मैंने गलती लिखा है। 5 आए सब कुछ चेंज हो जाएगा ना बेटा कैलकुलेशन। थ्री आई इज इक्वल टू 720, आई इज इक्वल टू 240, तो टू ईयर आई इज 480, तो प्रिंसिपल विल बी 2400। आ गया, ये टू ईयर का मेच्योरिटी, ये फाइव ईयर का मेच्योरिटी, दोनों मेच्योरिटी का डिफरेंस, दोनों मेच्योरिटी का डिफरेंस होगा थ्री ईयर का इंटरेस्ट। थ्री ईयर इंटरेस्ट इज 720, सो वन ईयर इंटरेस्ट इज 240, टू ईयर इंटरेस्ट विल बी 480। टू ईयर की मेच्योरिटी में से टू ईयर का इंटरेस्ट माइनस किया, प्रिंसिपल आ गया। आप फाइव ईयर से भी चेक कर सकते हो, फाइव ईयर का निकाल के 240 इंटू 5 1200, तो यहां भी प्रिंसिपल कंफर्म हो गया 2400।
अभी क्लियर ना? और कौन सा बोला आपने? परफेक्ट। बोरोड अमाउंट इज 35,000, इनिशियल अमाउंट दैट इज आर प्रिंसिपल। बट इस प्रिंसिपल में दो पार्ट है। एक पार्ट 10% पर एनम का रेट पे 4 ईयर के लिए बोरो किया है, और एक पार्ट 11% पर एनम के रेट पे 4.5 ईयर के लिए बोरो किया है। बट इन दोनों प्रिंसिपल का टोटल इंटरेस्ट 15,900 रुपीज है। बोरोड अमाउंट कौन सा 4 ईयर के लिए है, कौन सा 4.5 ईयर के लिए, वो बताना है। लेट द फर्स्ट प्रिंसिपल इज एक्स, ठीक है, तो सेकेंड प्रिंसिपल विल बी 35,000 माइनस एक्स। यस, अब इन दोनों प्रिंसिपल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का इंटरेस्ट पी आई टी, सेकेंड प्रिंसिपल का इंटरेस्ट पी आई टी, और इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, और वो एडिशन 15,900 रुपीज होना चाहिए। पॉइंट फोर एक्स, और इसका कितना आएगा? ये दोनों का आ गया इंटरेस्ट, मैंने सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है, एंड बोथ द इंटरेस्ट 0.4x प्लस 17,325 माइनस 0.45495x इज इक्वल टू 15,900। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज 15,000 एंड सेकेंड प्रिंसिपल इज 20,000। यस, डन। चलिए
और बाकी जिन्होंने वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया मैथ्स का, फटाफट से कंप्लीट करें, और प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, सी यू, थैंक यू। ओके बाय।